हरी ओम, मैं सिद्धिया वीरा शेट्टी, मैं रहती हूँ मीरा रोड में, और उपासना के लिए मैं दादर कन्नड़म भी जाती हूँ। अनुभव तो हमको क्षणों क्षण आते ही रहते हैं, और सही में मतलब बापू अपने साथ इतनी तरह मतलब हर एक क्षण हमारे साथ कैसे रहते हैं और वो हमको किस तरह से सजग करते हैं। जैसे कि मेरा जो आज का अनुभव मैं आपको बता रही हूँ, 30 मार्च को एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ बताती हूँ आपको कि 18 नवंबर 2011 को मेरी शादी हुई। मेरे शादी के बाद मैं मीरा रोड शिफ्ट हो गई। उसके पहले हम लोग मुलुंड में थे। मीरा रोड शिफ्ट होने के बाद शादी के तुरंत बाद से आफ्टर सम टाइम थोड़े दिन के बाद मेरा वेट गेन होते गया, मेरा वेट काफ़ी गेन होने लगा। और आपको तो पता है जैसे कि बॉम्बे की लोकल विरार ट्रेन में मेरा रोज का ट्रैवलिंग होता था आते जाते वक्त। और ट्रेन में जब मैं जाती थी तब लोगों के मुंह से ऐसे मतलब यू आर सो ह्यूज, आप थोड़ा ऐसे जाओ, यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, और मतलब इस तरह की बातें मुझे सुननी पड़ती थी। मुझे ऐसे लगता था ऐसे ताने मार रहे हो मुझे वो लोग, क्योंकि पहले मैं ऐसे नहीं थी। इस तरह के कमेंट सुनते वक्त बड़ा ही बुरा लगता था मन को, और ख़ुद को भी मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होता था। एक दिन ऐसा आया था कि हमारे सेंटर से जो हमारे यहाँ पे प्रभाकर सिंह करके है वो गोरेगांव सेंटर में बॉन्जे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे थे, प्रशिक्षण के बारे में बताने जा रहे थे एज ए इंस्ट्रक्टर। सो मैंने उनको पूछा कि ये क्या है, बॉन्जे स्पोर्ट शुरू हुआ है क्या? क्योंकि शादी के तुरंत बाद थोड़े दिन मुझे गैप हो रहा था, थर्सडे में आ नहीं पा रही थी। उसके दौरान जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं हाँ ऐसे ऐसे शुरू हुआ है, तो मैंने इमिडिएटली हमारे यहाँ पे प्रीति वीरा भांगले कर है उनको कांटेक्ट किया। उसके बाद संतोष सदा फुले से मैंने सारे डिटेल्स लिए बॉन्जे स्पोर्ट्स के बारे में। और फिर जैसे शादी के बाद मतलब जो बोलते ना जैसे थोड़ी बहुत जो समस्या होती है इन जनरल, घर को भी संभालना है, ये भी करना है, इनसे परमिशन लेगी, ये देंगी या नहीं परमिशन, ये सारे सवालों के साथ एनी हाउ मैंने प्रीति वीरा से थोड़ा कंसिडर कर मैंने उनको पूछा एज अ प्लेयर मैं कब तक आ सकती हूँ वगैरह। तो उन्होंने मुझे बोला एज अ प्लेयर तो आप एक घंटा भी आओगे तो भी चलेगा, लेकिन आप आओ। मैंने कहा ठीक है। उस तरह से मैं मलाड स्पोर्ट्स के लिए जाना शुरुआत किया। मैं जाने लगी एवरी संडे मॉर्निंग में 7:30 से मतलब 8:00 तक मैं वहाँ पहुँचती थी। वैसे ही करते करते ये करीबन सितंबर अक्टूबर से मैंने शुरुआत की थी। एनीवे उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए जाना शुरुआत किया मैंने। थोड़े दिन के बाद बापू का सेमिनार हुआ अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में अपने 13 दिसंबर को, जिसमें बापू ने अपने हेल्थ के रिगार्डिंग मतलब कितने सारे हम लोगों को पूरे उन्होंने तो खजाना ही दिया था। उसमें से मैंने सिर्फ एक चीज़ ही कलेक्ट किया था, मैंने सिर्फ कोशिश की मैंने अपनी कि मैं शुगर ऑफ कर दूंगी। मैंने शुगर बंद कर दिया, उसके बाद शुगर खाना बंद कर दिया, और थोड़ा बहुत डाइट मैंने कोशिश की अपन डाइट कंट्रोल में लाने लगी। जो जो उन्होंने बोला जितने हो सके उतनी कोशिश कर रही थी कि मैं करूँ। इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि मेरा वेट जो है धीरे 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 घटते गया। आज तभी मेरा वेट पिछले साल के मैंने अप्रैल में मैंने जब 2014 के जब वेट ब्लड डोनेशन कैंप के समय मैंने जब वेट दिखा था इट वाज 82-83। सो सही में बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए वो। उसके बाद धीरे धीरे करके 6-7 महीने में मेरा वेट घटते गया करीबन 70-72 के अरे आज एवरेज वही है। ये तो हो गया डैडी ने दिया हुआ, ये ऑलरेडी हमको कैसे प्रशिक्षित करते हैं और वो कैसे हमको बनाए रखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 30 मार्च को और एक ये बात ऐसी है कि जैसे वेट रिड्यूस होने से और स्पोर्ट्स में जाने के बाद जो मुझ में एक्टिविटीज़ तो मैं इतनी एक्टिव हो सकती हूँ, मैं इतनी एक्टिव हुई ये लोग बता रहे लगता अरे हाउ ये कैसे हो रहा है तुमसे। मैंने कहा वो सिर्फ बापू ने दिया हुआ वो हमारा बॉन्जे स्पोर्ट्स है, इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है हमको वो, उसके कारण से वी आर बिकम एक्टिव। तो सोच बदल गई वापस से हमने उन्हें ये नहीं ये होगा ये क्यों नहीं होगा, ये सारे काम अपने हैं सर्जन से भी करते आ रही हो कर रहे हैं हम लोग। कोई भी घर पे नहीं ये नहीं होगा ये काम मुझसे नहीं होगा ऐसा कोई नेगेटिविटीज़ मन में नहीं आता था, और बड़े धैर्य से सारे काम करते थे हम लोग। उसके बाद 30 मार्च को रोज की तरह विरार की ट्रेन, भीड़ भाड़ वाली ट्रेन,
एक वैसे ही लोकल आती है, हमारा 834 की ट्रेन है वो, मीरा रोड में। मैं सच कहती हूँ एक्चुअली होना नहीं चाहिए, लेकिन रनिंग ट्रेन पकड़ कर जब तक नहीं जाएंगे तो या तो इनबैलेंस होती थी या तो अंदर जाने ही नहीं मिलता है, ये उसके सिवा कोई पर्याय ही नहीं है हमारे पास। एज यूजल रोज की तरह रनिंग ट्रेन लेकर मैं भाग रही थी, लेकिन तभी एक डोर पर एक थोड़े से हेल्दी लेडी थी और वो करीबन 50-55 के एज ग्रुप के थे, वो इनबैलेंस हो गए और वो गिर गए। वो तो गिरे, उनको बचा हो या फिर मैं बचूँ, इस इनबैलेंस में मैं भी गिरी। लेकिन उस समय जब मैं गिर रही थी तो हमें बल में जो बताया सिखाया जाता था फ्रंट फॉल, वो फ्रंट फॉल में ही मैं गिरी और मैं तुरंत वैसे ही उठी। पीछे मुड़ के उठकर मैं तुरंत देखा मैंने वो लेडी सेफ है, सिक्योर्ड है। उसके बाद वही ट्रेन में मैं चल गई। बोलने का तात्पर्य यही है कि किस तरह से हमको बापू किस तरह से ऑलरेडी सक्षम कर देते हैं हर चीज़ के लिए। क्योंकि जब बल मेरे शादी के तुरंत बाद जब मैं बाहर हम लोग बाहर गए थे तभी मुझे कॉल आया था, आप अभिनंदन, आपको बल विद्या के प्रशिक्षण के लिए चुना गया है कर। तब मैं बल के लिए जाती थी तो जब ही आचार्य जी हमको फ्रंट फॉल सिखाते थे मुझे तुरंत वो बात याद आई। क्योंकि जब वो फ्रंट फॉल सिखाते थे मुझे तो जब भी मैं हमेशा पीछे जाती थी क्योंकि मुझे होता ही नहीं था, या तो मैं डर जाती थी या तो घबरा जाती थी या तो कुछ ना कुछ होता था और मुझे आचार्य बोलते थे कि सीधे आप पीछे प्रैक्टिस करो उसका। लेकिन बापू ने उस दिन वो फ्रंट फॉल मुझे इस तरह से यूज़ हुआ, अगर मैं उस औरत पर गिरती दोनों के मतलब एकदम पूरे मुंह पे मेरे मुंह के बल में गिरती कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है या फिर मैं इनबैलेंस होती। लकीली एक दिन पहले ही मीरा रोड का स्टेशन की हाइट जो है ना वो एक दिन पहले ही उन्होंने बढ़ाई थी 1 फीट जितना, अदरवाइज या तो वो भी नीचे और मैं भी नीचे। किस तरह से अपने परमात्मा मेरे बाप मेरे डैड किस तरह से हमको रेडी करता है, उसके सैनिक को किस तरह से रेडी करता है, अपने श्रद्धावान बच्चों की किस तरह से इतना भर भर के दे रहा है हम लोग को कि बॉन्जाई स्पोर्ट्स उनका वो सेमिनार और बल विद्या, ये तीनों के कारण उसने आज उस दिन मैं बची। इस तरह से अनेकों अनुभव में से ये मेरा अनोखा और बहुत ही मतलब ऐसा लगता है डैड आप कितना देंगे, आप कितना दे रहे हो, आप कितने प्यारे हो। बस ये कहकर मैं यहीं पे अपना ये अनुभव का संकेतन संपन्न करती हूँ। हरिओम श्री राम अम्बद्या।